ये किसी ने पत्थर से मार दिया इसको, लगता है 2-3 दिन हो गया है इसको, कीड़े लग गया। अब की हाल चाल दोस्तों, सब ठीक है ना? सब ठीक ही होना चाहिए था दोस्तों। एक नए वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त चरणजीत सिंह फिर से हाजिर हुआ हूं और वेलकम टू माय चैनल सीजे सफरनामा। दोस्तों आज मैं आपको ले जा रहा हूं बजालता। बजालता बजालता में क्या है वो मैं यहां नहीं बताऊंगा, मैं आपको वहां ही बताऊंगा। दोस्तों बजालता जो है वो जम्मू से 10 किलोमीटर के फासले पर है और मेरे घर से तकरीबन कोई 17-18 किलोमीटर के फासले पर होगा। और दोस्तों पहाड़ी इलाका है, बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ आपको दिखाने वाला हूँ आज, तैयार रहिएगा। और दोस्तों आज संडे है, बाहर बारिश भी हो सकती है तो मज़ा वो भी आने वाला है, क्योंकि बारिश में कभी साइकिल नहीं चलाई है, तो अगर बारिश हो जाए तो नो प्रॉब्लम, वो भी चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सबको सत श्री अकाल, दिल से नमस्कार और प्यार भरी आदाब। करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, हो जाइए तैयार और चलिए मेरे साथ। तभी नदी के ब्रिज पर, सिद्रा ब्रिज पर, और पीछे देखिए मेरे पानी, ये तभी का पानी लाल है क्योंकि पीछे बारिश हुई है, आज पहाड़ों में बारिश हुई है। और दोस्तों यहाँ तक पहुँचते थोड़ी सी हालत ख़राब हुई क्योंकि जो हमारी जम्मू सिटी है वो बिल्कुल ऐसे हाइट पर है, और जैसे ही आप जम्मू सिटी में एंटर करते हो तो जब जम्मू सिटी को पार करना होता है तो वो जो खड़ी चढ़ाई जो है ना वो चढ़नी पड़ती है, और ये सिंगल गियर साइकिल है, इस पे थोड़ा बंदा थक जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अकेले राइड करते हो, तो मैं बताऊं कि मैं अकेले राइड नहीं करता हूं, मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई होता है, और आज मेरे साथ हैं दो बंदे, मैं आपको मिला दूं। ये हैं वो, ये है मेरी बेटी जो हमेशा मेरे साथ होती है, और अभी फ़िलहाल ये घर में सो रही है। और ये है मेरे पापा जी, ये अब इस दुनिया में नहीं है बट हमारे साथ रहते हैं, इनका आशीर्वाद मेरे सिर पर रहता है हमेशा। सर ठीक हो? तो ये कुछ आज रनिंग चल रही है यहाँ पे, कुछ कोई दौड़ छोड़ चल रही है, मैराथन है कोई, तो वहाँ पे वो कोई भाई साहब मुझे विश कर रहे थे तो मैंने भी विश कर दिया उनको। तो दोस्तों ये है जी जम्मू की खूबसूरती जो मैं आपको दिखाना चाहता था। जम्मू में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं कि अगर आप देखोगे जम्मू में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू खासकर जम्मू कश्मीर जो है पूरा, हम अब यही पूरा कवर नहीं कर पाते हैं, और मैंने तो अभी तक कई सारी चीज़ें कश्मीर में नहीं देखी हुई हैं, और जम्मू में भी कई सारी चीज़ें नहीं देखी हुई हैं, कई सारी जगहें नहीं देखी हुई हैं, तो इसीलिए घूमता रहता हूँ, और संडे स्पेशली इसी के लिए होता है, तो आपको भी घुमाने की कुछ दिखाने की कुछ कोशिश करता हूँ। दोस्तों अब चलते हैं आगे, क्योंकि अब है सही टफ रास्ता आने वाला है, चढ़ाई आने वाली है।
दोस्तों मैं अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुका हूं और जो मैंने सस्पेंस रखा था अभी मैं सस्पेंस खोलने जा रहा हूं। ये जगह है हंटर रेंच, कर्नल हंटर रेंच। तो यहां पे ही आज मेरी डेस्टिनी थी, यहां ही आना था। अभी वैसे दरवाज़ा अभी बंद है, देखते हैं क्या होता है। ये जो गाँव है, इस गाँव का नाम है मलोड़ी। मलोड़ी गाँव बजालता से कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। तो देखते हैं आगे, अगर दरवाज़ा कोई खोलता है तो अंदर चलते हैं। लॉकडाउन से सब कुछ ही बंद है। तो ये कुछ यहाँ पे जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, टेंट स्टे, रेस्टोरेंट, क्रिकेट, बॉलिंग मशीन, हॉर्स राइडिंग, ATV, पेंट बॉल, ये सब कुछ यहाँ पे चलता है। तो फिलहाल अभी बंद है। यहाँ पे सर्विस करते हैं, इनका नाम है शबीर। शबीर जी से जानते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है और कब ये खुलेगा। तो शबीर जी, स्वागत है आपका। बताइए यहाँ पे क्या क्या है। सर जी, यहाँ आसमान मिलेगा। अच्छा, गेम्स है, हॉर्स राइडिंग नहीं है अभी, अभी गेम्स है, जिप लाइन है, ATV है। अच्छा, पेंट बॉल है और नई गेम खोली हमने, लेदर पैक। अच्छा, टीवी इनॉग्रेशन करनी है। अच्छा, अब बाकी सब कुछ मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक, शोल्ड ड्रिंक, नाइट स्टे के लिए टेंट है हमारे पास। अच्छा जी सर, तो अभी आज ही खुलेगा इनॉग्रेशन, आज ही होगी। ओके, कुछ नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं उनके इनॉग्रेशन आज होगी। अच्छा, ये दोस्तों आपको दिखाते हैं एक ये जो नई गेम इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे इन्होंने, ये लेज़र टैग करके। तो ये शबीर भाई हमें दिखाने जा रहे हैं। ये शबीर भाई, क्या फंड है इसका, लेजर टैग का? इसकी वो गन भी आई गई ऐसे ही, जैसे 8 बंदे खेलने आ गए। हाँ। तो 4 बंदे उस साइड रहेंगे। ओके। 4 बंदे इस साइड। अच्छा। और उसकी जैकेट आएगी। ओके। जिसपे लेजर की टारगेट होगा। हाँ। वो होगा आउट। ओके। ऐसी चमक करेगा ये, जैसे अभी बंदा जीत। अच्छा, मतलब ये गेम की तरह है। गेम ही है। हाँ, गेम ही है, जैसे वीडियो गेम के, जैसे मोबाइल में गेम खेलते हैं। हाँ, वही है। वैसे ही हमें गन पॉइंट करने हैं अगले बंदे को। ओके ओके ओके, मतलब ये लाइव गेम आप खेल सकते हो। हाँ भाई, शायद ये जम्मू में पहले बारी ये जो इंट्रोड्यूस हुई है। यहाँ पे कैबिन से बने हुए हैं, कैबिन में आपको बैठना है तो आपके जो अपोजिशन है वो आपको टारगेट करेंगे। बिल्कुल आपको माहौल ऐसा लगेगा कि आप इस गेम के अंदर घुस गए हो, पूरा अपने आप को इस गेम का ही एक पार्ट समझोगे। ये भी 1 हफ्ते में चालू हो जाएगा। अच्छा, हफ्ते तक हो जाएगा चालू। ये देखिए मेरी जो टी शर्ट है, इस पर प्रॉपर इसका ये मैं टैग हो रहा हूँ इस पर। यही है शायद इसका नाम, इसीलिए लेज़र टैग है क्योंकि ये आप पे टैग हो रही है। ये देखिए जो मेरी वाइट टी शर्ट है, ये बिल्कुल शाइन कर रही है। शबीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कर्नल एडवेंचर हब, कर्नल हंटर रेंच जो मैंने आपको दिखाया, अभी इसका एडवेंचरस पार्ट जो है इस तरफ है वो अभी बंद है। यहाँ बहुत सारी गेम्स होती हैं तो वो अभी बंद है फिलहाल। मैंने बोर्ड पे आपको दिखाया, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, ATV, पेंट बॉल और क्रिकेट, बॉलिंग मशीन, ये सारा कुछ है पर अभी ये बंद है। तो शबीर भाई ने जैसे बताया, ये आज ये खुलने जा रहा है। और यहाँ जो पार्ट है, ये जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट जो है ये भी खुल जाएगा। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि बहुत अच्छी जगह है, मैं सुना तो था तो इसलिए आकर मैंने ये देखा, बहुत अच्छी जगह। और ये अब 50% कैपेसिटी के साथ खुलने भी जा रहा है। तो अपनी जो वेकेशन है, जो हॉलीडे है, संडे है जैसे, वो यहाँ पे स्पेंड करें। और यहाँ पे काफ़ी सारा जो है गेम्स हैं और काफ़ी सारे बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और रेस्टोरेंट है खाने के लिए, जहाँ आपको हर तरह का खाना मिलेगा, वेज नॉन वेज हर तरह का मिलेगा। और यहाँ पे आपको शबीर भाई भी मिलेंगे, जो मुझे भी मिले तो इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने काफ़ी जानकारी यहाँ की दी।